अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां एमजी रोड थाना क्षेत्र के रानीपुरा में शुक्रवार रात एलएलबी स्टूडेंट ने खुद को गोली मार दी। मृतक के पिता पेशे से वकील हैं। आरोप है कि परिवार ने पुलिस को तत्काल सूचना नहीं दी। करीब 5 घंटे बाद घटना की जानकारी देने की बात सामने आ रही है। मौके से सबूत मिटाने के चलते पुलिस इसे संदिग्ध मान रही है। परिवार ने बताया कि जिस 22 बोर की राइफल से स्टूडेंट ने सुसाइड किया वह लाइसेंसी है। सूचना मिलते ही टीआई और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है। पुलिस पूरे मामले में सबूत मिटाने को लेकर परिवार से पूछताछ कर रही है। एसीपी बीपी शर्मा के मुताबिक रात में करीब 12 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि रानीपुरा में रहने वाले राफे आतिफ उम्र 19 वर्ष ने खुद को गोली मारी है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां राफे का शव जमीन पर पड़ा था। पुलिस ने घर से एक लाइसेंसी राइफल भी जब्त की। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्बॉय भेज दिया। माना जा रहा है कि राफे ने 22 बोर की राइफल को जमीन पर टिकाया होगा, फिर उसकी नाल ठोड़ी के पास गले से सटाकर ट्रिगर दबा लिया। गोली राफे के सिर के आर पार निकल गई है। हालांकि मौके से गोली का खोल नहीं मिला है। माना जा रहा है कि परिवार ने सबूत मिटाने के दौरान खोल भी गायब कर दिया है। इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।